हाँ तो बच्चों, माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, रेजोनेंस कोटा। टुडे वी आर डिस्कसिंग 29th जनवरी 2024 जेई मेन शिफ्ट वन पेपर, फिजिक्स पेपर। सो पहले क्वेश्चन में बच्चों पूछा है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज़ एट ए बाई थ्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा SHM का। हमें कहा गया है कि भाई पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू ए बाई थ्री पर है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। हमें इसकी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी तो हाफ के स्क्वायर ही लिखी जाएगी और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से एक्स की वैल्यू ए बाई थ्री पुट कर देंगे बेटा। ए बाई थ्री को पुट करने पर दिस इज ए स्क्वायर बाई नाइन और जो आंसर होगा ये हाफ के एट ए स्क्वायर बाई नाइन। अब हमें आपसे पूछा है कि रेशो ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज हाफ के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के एट बाई नाइन ए स्क्वायर। सो आंसर विल बी नाइन बाई एट। नाइन बाई एट इसका रेशो होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क डन से है। एक ब्लॉक है 100 kg का और 0.4 इसका जो है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ ब्लॉक स्लाइड्स 10 meters। तो यदि ब्लॉक 10 meters स्लाइड कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें बताना है। तो 10 meters में वर्क डन बाय फ्रिक्शन का हम फॉर्मूला लिखेंगे माइनस म्यू एम जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। नॉर्मल की वैल्यू देखो बेटा एम जी के बराबर होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू एम जी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइन म्यू एम जी इंटू एस, एस इंटू कॉस 180 degrees। सो इट इज माइनस म्यू एम जी इंटू एस। म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.4। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कह रहे थे 0.5 है, मैं अभी 0.4 से ही आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है ना। 0.4 एम, एम का जो वैल्यू होगा वो 100 kg गिवन है। जी का वैल्यू बेटा 10 गिवन है। एस का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है अगेन 10। सो इट इज 4000, माइनस 4000 जूल। माइनस 4000 जूल विल बी इन थर्ड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई यू इज इक्वल टू 4x² प्लस वाई प्लस जेड, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ठीक है बेटा। यू का वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसका U का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। माइनस डेल यू बाई डेल एक्स 4x² प्लस वाई प्लस जेड आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई 4x² प्लस वाई प्लस जेड जे कैप, एंड माइनस डेल बाई डेल जेड 4x² प्लस वाई प्लस जेड के कैप, ठीक है बेटा। अब देखिए जब हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y और z क्या होते हैं कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा, z का भी जीरो। तो इसका पहले पार्ट का आंसर होगा माइनस 8x आई कैप। सेकेंड पार्ट में x भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है, तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा माइनस j कैप। और थर्ड पार्ट में x और z कांस्टेंट है तो इसका जो आंसर होगा माइनस k कैप, ठीक है बेटा। डेल यू बाई डेल जेड का x और y कांस्टेंट होगा तो z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन x डायरेक्शन इज माइनस 8x i कैप, ओके। अब एक बच्चा मुझसे अभी कह रहा था कि भाई ये फोर्स जो पूछा था ये 1,0 पे पूछा था, तो यदि ऐसा है 1,0,0 पर फोर्स बताना है तो हम यहाँ
वन पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो फिर आंसर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एट। ओके, अभी जो ऑप्शन हमने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है माइनस एट एक्स आई कैप न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर सरफेस टेंशन का है बेटा। इन ए गिवन कैपिलरी फर्स्ट इज इंसर्टेड इन वॉटर देन इन कोल्ड वाटर। तो ये क्या है, ए गिवन कैपिलरी फर्स्टली इंसर्टेड इन हॉट वाटर, ठीक है ना, देन इन कोल्ड वाटर। तो एक कैपिलरी है उसे पहले हॉट वाटर में सबमर्ज करते हैं और फिर कोल्ड वाटर में इस कैपिलरी को सबमर्ज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई किस में हाइट ज़्यादा होगी। देखिए हम ये कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा ना तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है और जो हाइट का फार्मूला होता है वो एच बराबर टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर होता है। हालांकि डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन हम ये अब जो आंसर हम दे रहे हैं इसमें ये मान रहे हैं कि थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर इज नेग्लिजिबल। ओके, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर नेग्लिजिबल, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हमें ये नेग्लिजिबल ही कहना होगा। इससे क्या होगा कि रो का इफेक्ट कंसीडर हम नहीं करेंगे, आर तो रेडियस ऑफ कैपिलरी है इसका भी इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर सिर्फ सरफेस टेंशन पे डिपेंडेंट हो जाएगी हाइट और एच इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन हम कह सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो हाइट भी क्या हो जाएगी कम, तो हॉट वाटर लिक्विड जो होगा वो कैपिलरी में कम हाइट तक राइज करेगा। हॉट वाटर में हाइट क्या होगी कम, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है हॉट वाटर विल राइज मोर, तो इट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन सेम केस हॉट वाटर विल राइज लेस, सो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सही। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो ऐसा है फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीनर डायोड से है। तो जीनर डायोड का क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार इस पेपर में पूछा गया है। तो इफ ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 3 वोल्ट, तो हमें कहा है कि जीनर डायोड के जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हैं 3 वोल्ट है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ 10 वोल्ट है, तो फिर 10 वोल्ट है तो इसका ब्रेक डाउन हो ही जाएगा और ये 3 वोल्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस में हमें कहा है कि देन फाइंड द करेंट इन जीनर डायोड, तो जीनर डायोड में करंट बताना है। तो इसके अक्रॉस यदि 3 वोल्ट है बेटा तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। तो इसमें जो करंट यहां बनेगी दैट विल बी 7/1 kΩ, तो इट इज व्हाट 7 mA। ओके, और इसके अक्रॉस जो करंट बनेगी बेटा वो 3/2 mA, 3 वोल्ट अपॉन 2 kΩ, तो इट इज 3/2 mA, दिस इज व्हाट 1.5 mA। तो जो जीनर डायोड में जाने वाला करंट हमसे पूछा है, तो जीनर डायोड में जाने वाला जो करंट होगा यहाँ से जो करंट जाएगा 7 mA, उसका 1.5 mA करंट इस तरफ चला जाएगा, तो फिर इस डायरेक्शन में जो जाने वाला करंट है वो होगा 7-1.5, तो दिस विल बी व्हाट 5.5 mA। ठीक है बेटा, तो ये 5.5 mA इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन में पूछा गया। तो इसके लिए जो यहाँ प्रिंटेड है 8000, ओके, और यहाँ है 4000 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, डाइन पर, दिस इज प्रेशर एंड इट इज इन डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, एंड दिस इज व्हाट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज व्हाट सेंटीमीटर क्यूब, और ये है 3 और ये है 7। ओके, अब आपसे कहा है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताइए। ओके, तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हैं एरिया ऑफ साइकिल से। ठीक है बेटा, सब लोग निकाल सकते हो एरिया ऑफ साइकिल से वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ साइकिल, तो
क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8000, मैं सीजीएस यूनिट में ही निकाल रहा हूँ, -4000, ओके, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 7 माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपको सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो वर्क डन मिलेगा ये हाफ इंटू 4000 इंटू 4 डाइन सेंटीमीटर मिल जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये 8000 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, 8000 डाइन सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 0.8 मिली जूल। अब ये जिस भी यूनिट में वहाँ एग्जाम में हो उसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ हमने जो लिखा आंसर उसके अकॉर्डिंग 0.8 मिली जूल होगा इसका सही आंसर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा बच्चों ने यूनिट वगैरह बताने में कुछ कमी रखी हो सकती है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऑन एक कर्व पाथ, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज गिवन एज 3:2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेशियो है वो 3:2 है, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड एट दीज पॉइंट्स। तो देखो हम सब लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है कॉन्स्टेंट है, और ये v²r से लिखा जाता है। इसका मतलब जो r जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू v², तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट r, हम कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ r1 अपॉन r2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, r1 अपॉन r2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3/2, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो अंडर रूट 3/√2, ये हमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है। इंक्लाइंड प्लेन पर एक सिलेंडर जो है उसे प्योर रोलिंग के लिए छोड़ दिया गया है और 60 डिग्री का एंगल है, और इस सिलेंडर का एक्सेलरेशन बेटा हमसे पूछा है। हम सब लोग इस फॉर्मूले को डेराइव भी करते हैं, mg sin θ, ऊपर फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन हमें निकालना होता है, तो हमें पता है ma इज इक्वल टू mg sin θ - f, और फिर हम a इज इक्वल टू α r, और टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं F × r = mr²/2 α। हालांकि इसको डिराइव करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इन तीनों इक्वेशन से हम ये फार्मूला सब लोग पहले डिराइव कर चुके हैं अच्छे से, डायरेक्ट सभी बच्चों को ये फार्मूला याद होता है, a g sin θ / 1 i / mr², ओके। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्योर रोल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, g sin 60, और I जो होता है सिलेंडर का वो mr²/2 है सॉलिड सिलेंडर का, तो दिस इज़ व्हाट 1/2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2/3, और g sin θ, तो g का वैल्यू g, और इट इज़ व्हाट √3/2, तो ये सब सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा g/√3, इसका सही जवाब होगा g/√3, थर्ड ऑप्शन में गिवन है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का इक्वल है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी, तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा h/p होता है, और p को हम लिख सकते हैं h√2mE kinetic, ठीक है बेटा। तो अब लैम्डा तो सेम ही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा प्रोटॉन, तो इट इज व्हाट √2m electron k electron इज इक्वल टू √2m proton k proton,
इसका मतलब m इलेक्ट्रॉन इंटू k इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m प्रोटॉन इंटू k प्रोटॉन। और हमें पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा m प्रोटॉन अपॉन m इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग 183637 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो आंसर होगा 1836 के आसपास होगा, तो ऑप्शन में 1836 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम एट डेप्थ डी एंड हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेडियस सरफेस ऑफ अर्थ। तो H हमें बताना है, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर एग्जाम में आता है। जी एच का फॉर्मूला हम लिखते हैं जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, और जी डेप्थ का फॉर्मूला हम लिखते हैं जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि H लेस लेस देन R है, तो फिर हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में कंडीशन होती है, फॉर्मूला अर्थ के नज़दीक ही लिखा जाता है बेटा सरफेस के। तो H इज लेस लेस देन R, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं व्हेन जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, सब बच्चे जानते हैं इसका आंसर, कई बार क्या लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये टू एच की वैल्यू हो गई डी के बराबर डेप्थ, और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, डेप्थ डी के बारे में पूछा है, एच इज इक्वल टू डी बाई टू, तो जो हाइट का वैल्यू होगा वो डेप्थ से हाफ होगा, तो इट इज़ इन ऑप्शन 3।